नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और आज देश की बात में हम बात करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव में धीरे धीरे जो गर्मी आ रही है उसकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभी साल से ज्यादा का समय है, लेकिन नेताओं के बयानों और दौरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आम चुनावों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में धावा बोला, तो वहीं राहुल अपने चुनावी प्रचार के दूसरे चरण में आज मध्य गुजरात में रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में सभा को संबोधित किया और इलाके में विकास की कमतरी के लिए स्थानीय सांसद राहुल गांधी सहित कांग्रेस की तीन पीढ़ियों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा आज कसकर राहुल घेरे गए बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और क्या बयान दिया है बीजेपी के नेताओं ने और किस तरह से राहुल को इन तमाम सवालों का जवाब देना भारी पड़ सकता है, हम दिखाएंगे आपको देश की बात में। उधर राहुल जब गुजरात में थे तो जाहिर सी बात है कि उनके निशाने पर मोदी थे और सरकार थी। राहुल ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है, और ये बदलाव क्या है और किस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी को धीरे धीरे करके घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच राहुल ने कुछ ऐसा बोला जो कहीं उन पर भारी न पड़ जाए, और उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं जो राहुल के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। राहुल ने ये सवाल उठाया कि आरएसएस में क्यों नहीं स्कर्ट पहनी महिलाएं एंट्री पा पाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या स्कर्ट पहनना ही आधुनिकता का परिचय है, या फिर राहुल के इस पूरे बयान को कैसे देखा जाए। साथ ही एक मुद्दे की बात यह भी है कि समय की मांग किस तरह से अब बदल रही है, जो आरएसएस भी इसे गंभीरता से सोचने की कोशिश कर रही है कि आधी आबादी के प्रवेश के लिए अपने दरवाजे खोले, और अगर आरएसएस ऐसा करती है तो कितना परिवर्तन हो सकता है संघ में, ये भी हम आपको देश की बात में दिखाएंगे। उधर महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव में और गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के लिए ये एक संजीवनी की तरह काम कर सकता है। गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की जनता को दिवाली का तोहफा दिया है। पेट्रोल पर से 2 रुपये और डीजल पर लगने वाले स्टेट वैट में 1 रुपये की कटौती का ऐलान किया गया है। तो इन सारी खबरों को आपके सामने हम रखेंगे। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी को नाकाम करने की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। इससे ये बात साबित होती है कि भारत बड़े फैसले लेने में सक्षम है। जीएसटी का क्या असर है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, और वित्त मंत्री किस संदर्भ में उन्होंने इस बात को रखा है, ये हम आपको समझाएंगे। बिहार भी आपको लिए चलेंगे। बिहार की राजधानी पटना में मंच साझा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आमतौर पर अभी तक दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बोला है या एक दूसरे को घेरने की कोशिश की है। लंबे समय के बाद ये दोनों ही बड़े नेता एक मंच पर होंगे और एक सुर में बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी खास होगा, और वो सुर कैसा होगा ये हम समझाने की और सुनने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान है, लेकिन बीजेपी सरकार तो राम की मूर्ति सरयू तट पर बनाने की बात कर रही है। इसके पीछे कैसी रणनीति है? क्या बीजेपी मंदिर बनाने से हट रही है, या फिर ये भी समझा जाए कि बीजेपी पहले मूर्ति और उसके बाद मंदिर पर बढ़ जाएगी? हम बताएंगे आपको पूरा मामला, और ये भी बताएंगे कि कैसे मूर्ति और प्रतिमाओं की राजनीति लगा रही है विकास कार्यों पर ब्रेक। 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव योजना की बात कही थी, तो ऐसा लगा था कि देश में गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने वाली है। लेकिन आज 3 साल बाद शायद ही कुछ बदला है। रोज दोपहर 3:30 बजे APN पर हम आपके अपने विशेष कार्यक्रम में आदर्श गांव योजना के तहत सांसदों द्वारा लिए गए गोद गांव, जो गोद लिए गए हैं गांव, उनका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं। तो आज हम आपको देश की बात में दिखाएंगे लखनऊ से सांसद और देश की सियासत में फिलहाल नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के गोद लिए गांव बेंती की तस्वीर। IIT कानपुर में फिर सामने आया है रैगिंग का जिन, और इस पर संस्थान ने कैसे कड़े फैसले लिए हैं
जिसके लिए संस्थान की सराहना की जानी चाहिए, ये भी खबर होगी आज देश की बात में। और अदालती तमाम खबरों के बीच हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा की कोर्ट ने 1996 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई है, और साथ ही कार्ति चिदम्बरम के मामले पर क्या कहा है अदालत ने। बताएंगे आपको कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ने के बाद आतंकवाद के मसले पर अब पाकिस्तान के सुर बदल रहे हैं। और इसके अलावा अगर ये खबर आप अच्छी कह सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर अपने सुर बदले, तो जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व के लिए एक खबर ये अच्छी हो सकती है। और हमारी अच्छी खबर की कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे वाराणसी से जुड़ी एक अच्छी खबर। इसके अलावा आज बॉलीवुड की मल्लिका कही जाने वाली और सबसे रहस्यमय अभिनेत्रियों में शामिल रेखा का जन्मदिन है, तो आज हम उनके जन्मदिन पर उनको बधाइयां भी देंगे, उन्हें याद भी करेंगे। मिर्चा गालिब से एक मुलाकात तो तय है आपकी, तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी उठापटक का खेल जारी है। गुजरात से लेकर अमेठी तक इसकी गूंज अब सुनाई दे रही है खूब जोरों से। अमेठी के अखाड़े में राहुल गांधी को चित करने के लिए बीजेपी की ओर से अमित शाह मैदान में उतरे हैं, तो गुजरात में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए राहुल मुस्तैदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन गुजरात के तहत जहां राहुल गांधी ने वडोदरा में मोदी सरकार पर वार करने की कोशिश की, तो वहीं अमेठी में अमित शाह ने जमकर हुंकार भरा। सीएम योगी और स्मृति ईरानी की तिकड़ी ने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस की पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी। सियासी तौर पर माना जाए तो एक तरह से अमित शाह ने यूपी में 2019 के मिशन को पूरा करने की शुरुआत अमेठी से कर दी है। राहुल गांधी के गढ़ में इस मेगा शो का हिस्सा बनने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंचे। मोदी सरकार के विकास के गुजरात मॉडल को राहुल गांधी खारिज कर रहे हैं। पूरे गुजरात में घूम घूम कर कह रहे हैं कि पीएम मोदी का झूठ सुन सुन कर विकास पागल हो गया है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी का ध्यान रोजगार देने पर नहीं है, अभी जो सेल्फी हो रही है वो मेड इन चाइना सेल्फी है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि देश में लोग मेड इन इंडिया वाली सेल्फी लें। अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दिया, कहा तीन पीढ़ियों में जो परिवार अमेठी का विकास नहीं कर पाया वो बीजेपी से 3 साल का हिसाब मांग रहा है। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि हमारे जो सेल्फीज हो रही हैं वो मेड इन चाइना सेल्फीज हैं। मैं चाहता हूं, नहीं मेड इन इंडिया नहीं, मैं चाहता हूं कि चाइना के लड़के लड़कियां जब सेल्फी लें उन्हें देखे मेड इन इंडिया, मेड इन गुजरात, मेड इन बड़ौदा। आज इस अमेठी की धरती पर से मैं कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी को भी पूछना चाहता हूं, तीन तीन पीढ़ियों तक आपको अमेठी की जनता को ने वोट दिया, आप हमारे 3 साल के हिसाब मांगते हो? राहुल बाबा, मोदी जी ने 3 साल में क्या किया? ये अमेठी की जनता 3 पीढ़ी का हिसाब मांगती है आपसे कि 3 पीढ़ी तक आपने क्या किया। राहुल गांधी गुजरात में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने पर आमादा है, तो बीजेपी अमेठी में उनकी जड़ खोदने में लगी है। विकास को लेकर बीजेपी पर हमलावर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, राहुल जी राष्ट्र भर में विकास के ऊपर भाषण देते हैं, लेकिन शायद हमारे देश के कई नागरिकों को इस बात का एहसास नहीं है कि राहुल जी जिस लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उस लोकसभा क्षेत्र में आज तक कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बना है। वो भी बनाने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ कि राहुल जी भले ही गुजरात में विकास का उपहास करते हों, लेकिन सही मजाक उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ किया। रिश्तों की दुहाई देते हुए आज तक वोट तो बहुत बटोरे उन्होंने, लेकिन विकास रूपी एक भी कार्य वो जनता के समक्ष कर नहीं पाए। हिंदी की एक मशहूर कहावत है कि तेल देखो तेल की धार देखो। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस सियासी जंग में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में जहां राहुल गांधी की ताकत का अंदाजा होगा, तो वहीं 2019 में विकास के रथ पर सवार होने का दावा करने वाली बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से पास होकर निकलने की चुनौती होगी। इस दौरान वादों और दावों की सियासत के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और आरोप प्रत्यारोप के दौर में कुछ ऐसे भी लम्हे आ रहे हैं जहां सभी सीमाएं लांघ ली जा रही हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी को कोस तो रहे हैं, लगातार वार पर वार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वडोदरा में विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में वो पहुंचे। वहां जाकर राहुल ने कुछ ऐसा बयान दे डाला जिससे कांग्रेस को पूरी तरह से रोल बैक करना होगा, या कहा जाए कि अभी तक जो राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की थी उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया। राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को महिला विरोधी बताया। राहुल ने कहा कि संघ और बीजेपी के लिए जब तक महिला चुप रहे, कुछ न बोले, तब तक ठीक है। जैसे ही महिला ने मुंह खोला तो उसको चुप कराना शुरू कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आरएसएस में महिलाओं की हिस्सेदारी विवादास्पद है। क्या आपने कभी भी आरएसएस शाखा में महिलाओं को देखा है, शॉर्ट्स पहने देखा है, छोटे स्कर्ट्स में देखा है? राहुल के इस बयान पर बीजेपी बिफर गई और बीजेपी ने ये कहा कि हमारे यहाँ संस्कार है। राहुल की नियति देखिए, नियत देखिए कि वो महिलाओं को किस तरीके से देखना चाहते हैं। राहुल इस तरह के बयान देंगे इससे कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता। राहुल गांधी पूरी तैयारी करते हैं, ढंग से बोलने की कोशिश करते हैं, कई बार बोल भी जाते हैं, लेकिन अक्सर वो ऐसी कोई गलती कर देते हैं जो बहुत भारी पड़ती है राहुल गांधी के उन तमाम बयानों पर, उन तमाम रणनीतियों पर जिसके लिए उनकी टीम दिन रात मेहनत करती है। स्कर्ट का बयान कुछ ऐसा ही है। स्कर्ट पहनना आधुनिकता का परिचायक नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया कि संघ में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, इस पर संघ जरूर सचेत हो रहा होगा, जरूर अंदर अपने झांकने की कोशिश करेगा। और 12 अक्टूबर से जो संघ अपनी बैठक करने जा रहा है उसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने के लिए संघ अब नए विकल्प और नए रास्ते खोल रहा है। गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को बड़ोदरा में एक रैली के दौरान राहुल ने बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस में महिला भागीदारी को लेकर तंज कसा। राहुल ने न सिर्फ आरएसएस में महिलाओं की हिस्सेदारी बल्कि आरएसएस की आधिकारिक पोशाक हाफ पैंट को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। राहुल ने यह भी कहा, कभी आरएसएस शाखा में महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? आप सीधा साहब से सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। तो संगठन से आपको पता लग जाता है, कांग्रेस में हर लाइनअप में महिलाएं दिखती हैं, आरएसएस में आपको एक महिला नहीं दिखेगी। पता नहीं क्या किया है, क्या गलती की महिलाओं ने कि आरएसएस में नहीं घुस सकती। वहीं राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने राहुल पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने आज संघ से संबंधित हमारी जो बहनें राष्ट्रीय सेविका समिति की हों अथवा जो बहनें संघ परिवार से जुड़ी हैं किसी न किसी ओहदे में अथवा मात्र सामान्य स्वयं सेवकों की बहनें हैं, बेटियां हैं, पत्नियां हैं, राहुल जी का अगर ये मानना है कि शॉर्ट्स पहनना हिंदुस्तान में एम्पावरमेंट की निशानी है तो एक महिला होने के नाते मैं उनका खंडन करना चाहती हूँ। इस प्रकार का ओछा बयान देने की अपेक्षा राहुल गांधी से निश्चित रूप से अब की जा सकती है। आरएसएस ने भी राहुल से सवाल पूछे। राहुल गांधी को यदि कोई इसमें भ्रम है तो अपनी माँ से पूछे कि प्रियंका गांधी के स्थान पर उनको क्यों आगे बढ़ाया गया। प्रियंका उनसे बड़ी थी, राजनीतिक समझ भी शायद उनसे अधिक है, वो सक्रियता में रहना चाहती हैं, तो फिर बेटे को आगे बढ़ाकर माँ ने बेटी को क्यों पीछे छोड़ा। वैसे आरएसएस पर महिलाओं के प्रति गैर बराबरी का दृष्टिकोण रखने का आरोप लगता रहा है। आरएसएस में महिलाओं को सदस्यता नहीं दी जाती बल्कि महिलाओं के लिए एक अलग संगठन बनाया गया है। आरएसएस महिलाओं के प्रति अपने रूढ़िवादी विचारों के लिए भी जाना जाता है। सिर्फ पुरुष सदस्यों वाले आरएसएस में पुरुषों के लिए खाकी रंग की हाफ पैंट और शर्ट पोशाक के तौर पर निर्धारित है। हालांकि कुछ ही समय पहले हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहनने की इजाजत दे दी गई है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद देश की नीतियां निर्धारित करने में आरएसएस की भूमिका अहम हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि आरएसएस देश की आधी आबादी को संगठन का हिस्सा बनाए। जब तक नारी का सशक्तिकरण और सम्मान नहीं होगा
देश का विकास होना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर बीजेपी के लिए उत्साहजनक खबर है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बूस्टर डोज मिल गया है। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। हालांकि इस चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ता है, लेकिन एंड विधानसभा चुनाव से पहले मिली ये जीत बीजेपी का मनोबल जरूर बढ़ाने वाली है। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी ने पहले चरण की 50% से ज्यादा सीटें जीत ली थी। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनावों में दमदार प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 8 में से 6 सीटें जीत ली। बीजेपी ने 7 जिलों की नगर निगम की 5 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एक तालुका सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हुआ। बीजेपी के लिए यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे पहले इन 8 सीटों में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा था। बीजेपी ने बोरियावी, माहुदा, विजयपुर, पाटन, तलाला सीट पर जीत दर्ज की। इसके अलावा गांधीनगर जिले की रंधेजा तालुका पर भी उसे कामयाबी मिली। इससे पहले महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनाव नतीजों में बीजेपी ने करीब 50% सीटों पर कब्जा जमा लिया। पहले चरण की 2974 पंचायतों के नतीजों में बीजेपी को 1457 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को 301, शिवसेना को 222 और एनसीपी को 194 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर महाराष्ट्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा में शनिवार को एक साथ सार्वजनिक मंच पर दिखेंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों एक साथ कई जगहों पर सार्वजनिक मंच पर तो आ चुके हैं, लेकिन सहयोगी बनने के बाद ये पहला मौका है जब किसी जनसभा में दोनों नेता साथ होंगे और एक साथ घोषणाएं कर रहे होंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। 14 अक्टूबर को पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक अपने साथ पीएम मोदी बिहार के लिए कई तोहफे भी ला रहे हैं। पीएम मोदी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मोकामा की सभा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें गंगा नदी पर एक 6 लेन के ब्रिज के अलावा बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण भी शामिल है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले बिहार में सरकार बनने के बाद 25 अगस्त को पूर्णिया में दोनों नेताओं ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था, लेकिन यह पहला अवसर होगा जब पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह और विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास के समय दोनों नेता साथ साथ मौजूद रहेंगे। नीतीश के एनडीए में आने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि उसे 2019 में बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि एक बात दिलचस्प होगी कि अब तक एक दूसरे को शब्द बाणों से निशाना बनाने वाले एक दूसरे की तारीफ कैसे और किन शब्दों में करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात करते हैं राम मूर्ति की। बीजेपी ने वादा किया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। पार्टी के बड़े नेता मंदिर पर बयान देते रहते हैं। वादा तो मंदिर का किया गया था, अब मूर्ति बनाने की बात हो रही है। विवादित जमीन से दूर सरयू नदी के तट पर 100 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी मंदिर मुद्दे पर ध्यान भटकाना तो नहीं चाहती है। मंदिर यदि बन जाए तो मूर्ति तो उसमें पहले से ही विराजमान है, फिर अलग से भव्य मूर्ति की क्या जरूरत है। जब अयोध्या में राम लला विराजमान है ही, उसके बाद भी मंदिर की जगह अब मूर्ति की बात होना, जाहिर सी बात है कि भक्तों के मन में कई तरह की शंकाएं इससे उठ रही हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पहले हम मूर्ति बनाएंगे और उसके बाद अदालत के फैसले के अनुसार कार्य करेंगे। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि मूर्ति तो आगाज है, इसके बाद मंदिर की बारी है। राम को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मंदिर बनाने का वादा करने वाली बीजेपी अब मूर्ति बनाने पर पहुंच गई है। जनता से मंदिर बनाने का वादा कर मूर्ति बनाने तक सीमित रहने की तैयारी तो नहीं है।
राम की राजनीति कर बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची है। हर चुनाव से पहले राम याद आते हैं। एक बार फिर मिशन 2019 जीतना है, इसके लिए फिर से राम राग अलापा जा रहा है। योगी सरकार ने अयोध्या पर नया प्लान बनाया। मिशन 2019 से पहले अयोध्या को फिर से सजाया संवारा जा रहा है। अब सरयू नदी के तट पर 100 मीटर से भी ऊंची राम की मूर्ति लगाने की तैयारी है, ताकि मंदिर के मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 18 तारीख को छोटी दिवाली के दिन वो जो है एक भव्य टूरिज्म रिलेटेड, हमारे संस्कृति से रिलेटेड एक कार्यक्रम यहाँ हम लोग आयोजित करें। पर्यटन विभाग की ओर से एक प्रस्ताव भारत सरकार को गया था। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत लगभग 135 करोड़ की स्वीकृति मिली है। पर्यटन विभाग अयोध्या पर विशेष ध्यान दे रहा है। मूर्ति को लेकर पर्यटन विभाग ने प्रेजेंटेशन भी दिया। अयोध्या को लेकर और क्या तैयारियां चल रही हैं? जानते हैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से। बहुत सारी हम लोगों की जो योजनाएं उस क्षेत्र के लिए, उनका शिलान्यास होगा और साथ ही साथ फिर दीपदान होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो निश्चित रूप से प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन अब उसका स्वरूप क्या होगा, कितना होगा भी ये निश्चित नहीं है, और इसका अंतिम रूप जब फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको सूचित करेंगे। पर्यटन विभाग राज्यपाल को भी भगवान राम की मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी दे चुका है। सरयू तट पर मूर्ति बनाने की चर्चा पर अयोध्या के साधु संतों में भी सुखबुगाहट शुरू हो गई है। मना रहे, इससे बढ़िया कोनो काम ही नहीं हो सकता है। आप बहुत भगवान के कृपा है, हनुमान जी उनके सद्बुद्धि है, उनके प्रांत के पर कृपा लक्ष्मी बरसावे। आज तक ये रिकॉर्ड है कि कोई भी मुख्यमंत्री बना है तो दीपावली पर कोई भी नहीं आया है, लेकिन एक योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक योगी भी हैं, साधु भी हैं, इसलिए अयोध्या में जो सरकार के द्वारा मनाई जा रही है ये बहुत बढ़िया काम है। मंदिर मुद्दा सालों से विवादों में है। अयोध्या में पहले ही राम की मूर्ति मौजूद है, उसके बाद सरयू नदी के किनारे 100 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने की क्या जरूरत है? बीजेपी ने जनता से मंदिर बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक बीजेपी वादे पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी गुमराह कर रही है? क्या बीजेपी राम मंदिर से पीछे हट रही है? क्या मंदिर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मूर्ति निर्माण की बात हो रही है? फैजाबाद से ब्रजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर लगे आरोपों के बचाव में मोदी सरकार के बड़े मंत्री, रेल मंत्री पीयूष गोयल के बाद स्मृति ईरानी भी आई, और अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले में पूरे आरोप झूठे हैं और इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय अमित शाह का बचाव किया है, साथ ही इस मामले में किसी भी तरह की जांच बिठाने की आवश्यकता से इनकार किया है। इससे पहले विपक्षी दलों के हमलावर रुख पर बीजेपी प्रमुख के बेटे का मजबूती से बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोपों को खारिज किया था। पीयूष ने जय अमित शाह का एक बयान भी जारी किया था। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमित शाह और उनके परिवार पर प्रहार करना कांग्रेस की कोई नई रणनीति का हिस्सा नहीं है। जब कांग्रेस पहले सत्ता में रही तब भी उनको प्रताड़ित किया गया। इस बीच जय अमित शाह ने अपने कारोबार में तथाकथित अप्रत्याशित मुनाफे की खबर चलाने वाले वेब पोर्टल के खिलाफ 100 करोड़ के आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। जय शाह ने न्यूज वेबसाइट के मालिक, संपादक और रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब राजनाथ सिंह की बात चल रही है तो उनके आदर्श गांव की भी बात कर लेते हैं, खासकर गोद लिए गांव की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव योजना की बात कही, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत सभी सांसदों को एक एक गांव गोद लेकर उसको विकसित करने और उस गांव को एक नजीर बनाने की पेशकश की गई थी। इसी क्रम में लखनऊ से सांसद और देश की सियासत में फिलहाल नंबर दो की हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा के एक गांव बैती को गोद लिया। उस गांव को गोद लिए अब 3 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी गाँव की स्थिति अब जस की तस बनी हुई है। देखिए APN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा के एक गांव बेती को साल 2014-15 में गोद लिया था। इस गांव को गोद लेने के बाद राजनाथ सिंह ने बड़े बड़े ऐलान किए थे। आज मैंने इस बेती गांव को एक सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, उसके अंतर्गत इसका चयन किया है और आज मैं यहां पर आया हूं। आपने देखा कि कई योजनाएं अभी यहां पर प्रारंभ हुई हैं। बेती गांव का जायजा जब एपीएन टीम ने लिया और ये जाना कि गोद लेने के बाद से कितना बदला है ये गांव, तो वहां का मंजर कुछ और ही दिखा। गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जबकि ऐलान तो बहुत हुए थे। बेती गांव में रहने वाले लोगों की माने तो जब गांव को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गोद लिया था, तब लोगों में खासा उत्साह था। ऐसा लग रहा था मानो जरूरतें अब पूरी हो जाएंगी। लेकिन गांव में अगर बेटी पढ़ना चाहे तो उसे 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए या 15 किलोमीटर का फासला तय करना होगा या पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ अस्पताल की सुविधा भी गांव में मौजूद नहीं है। सोलर लैंप लगे हैं लेकिन ज्यादातर खराब है। अब अगर बेटी को मिली सौगात की बात करें तो एक नलकूप, 10 हैंडपंप और 10 सोलर लैंप के साथ एक बैंक मिला है। मेरे गांव में ना तो कोई स्कूल है, डिग्री कॉलेज जो कि जितने सारे बच्चे हैं सब जो बीए करना चाहते हैं नहीं पढ़ पा रहे। अरे मतलब भाग कुछ नहीं इनके पीरियड में, और ना आज तक जब तक एक बार गलावा दोबारा हमारे गाँव में देखा है। योजना थी गांव को और बेहतर विकसित करने की, साथ में उस गांव में हर सुख सुविधा को लोगों को मुहैया कराने की, लेकिन बेती अब भी अपने हालात पर जस का तस बना हुआ है। काम के नाम पर महज कागज और जबानी जमा खर्ची किया गया और बेती आज भी अपनी तकदीर पर रो रहा है। कैमरा पर्सन अमित राज गुप्ता के साथ विक्रम मिश्रा, APN लखनऊ। उम्मीद है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जब इस खबर को देखेंगे तो प्रशासन को और चुस्त करेंगे और जल्द से जल्द इस गांव की तकदीर बदल कर रख देंगे। चलिए अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। रक्षा मंत्री पद का भार संभालने के बाद से निर्मला सीतारमण काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय पर एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। इस वक्त निर्मला सीतारमण की चीनी मीडिया में वाहवाही हो रही है। उन्होंने हाल ही में पहले सिक्किम दौरे के दौरान चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया था और चीन के सैनिकों से भी संक्षिप्त बातचीत की थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है। खबर है कि चुनाव आयोग गुजरात और हिमाचल चुनाव की घोषणा कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल को दिल्ली बुलाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने दिल्ली जाने से पहले सभी अधिकारियों से चर्चा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। यूपी के शामली में गैस रिसाव से बीमार हुए 250 बच्चों का मामला अब लखनऊ तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली स्थित चीनी मिल से गैस रिसाव से स्कूली बच्चों के बीमार होने की घटना पर ट्वीट कर दुख जताया। वहीं सीएम योगी ने सहारनपुर के कमिश्नर और शामली के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को कार्रवाई के सख्त आदेश दिए। इससे यूपी प्रशासन हरकत में आ गया और मामले की तेजी से जांच हो रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार की ओर से कानून व्यवस्था कायम करने को लेकर किए गए वादे सरकार पूरे करने में जुट गई है। पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने UP 100 परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए 4,493 पदों पर भर्ती का फैसला किया है। इसमें सबसे ज्यादा 3,000 पद आरक्षी चालक के हैं। वैश्विक बाजार से बेहतर संकेत मिलने पर घरेलू मार्केट की तेज शुरुआत हुई। बेहतर शुरुआत करने के बाद घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी जहां 28 अंक बढ़कर 10,017 के स्तर पर बंद हुआ, वही सेंसेक्स 78 अंकों की बढ़त के साथ 31,924 के स्तर पर बंद हुआ। सितंबर महीने में 10,000 का स्तर पार करने के बाद एक बार फिर निफ्टी 10,000 के पार पहुंचा है। आगे भी उम्मीद है कि बाजार के अच्छे दिन बने रहेंगे। IIT कानपुर में रैगिंग मामले में फंसे 22 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छात्रों के बयान लिए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। अब इन छात्रों को निर्धारित निलंबन अवधि खत्म होने के बाद दोबारा उसी सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और पढ़ाई पूरी करनी होगी। कॉलेज रैगिंग को लेकर IIT कानपुर ने सख्त कदम उठाया है। संस्थान ने 16 छात्रों को 3 साल और 6 को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। संस्थान की सीनियर ने यह फैसला किया। सभी 22 छात्र निलंबन का वक्त खत्म होने के बाद ही वापस पढ़ाई के लिए लौट सकेंगे।
जुलाई में संस्थान में आए नए छात्रों ने आरोप लगाया था कि उनके सीनियरों ने जबरदस्ती उनके कपड़े उतरवाए और अभद्रता के लिए मजबूर किया। 16 बच्चों को 3 साल का सस्पेंशन दिया गया है और 6 स्टूडेंट्स को 1 साल का। वो सब इस रैगिंग के इंसिडेंट में शामिल पाए गए थे और इसलिए उनको ये पनिशमेंट दिया गया। संस्थान ने पुलिस में शिकायत नहीं करने का फैसला किया क्योंकि इससे निलंबित छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता। रैगिंग के आरोपी सभी छात्रों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और सुनवाई पूरी होने के बाद छात्रों पर निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन तक अब इन्हें कैंपस में रहने की इजाजत नहीं होगी। छात्रों पर की गई कार्रवाई को लेकर IIT कानपुर का कहना है कि इस फैसले से छात्रों में कड़ा संदेश जाएगा और रैगिंग पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। शिवा शर्मा, APN कानपुर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि हाल ही में लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर GST को असफल करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से अब आगे बढ़ रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे जेटली ने कहा कि देश अब धीरे धीरे डिजिटल मोड की ओर आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST को नाकाम करने की सारी कोशिशें फेल हो गई। इससे बात साबित होती है कि भारत बड़े फैसले लेने में सक्षम है। जेटली ने कहा कि सभी राज्य नए टैक्स सिस्टम को अपनाकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जब दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं संभल कर चलने का रास्ता ढूंढ रही हैं, उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि भारत में व्यापार के लिए अब ज्यादा मौके हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने बीते 3 सालों में इसके लिए कई कदम उठाए। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में टैक्स की 99% समस्याओं का समाधान अब ऑनलाइन ही मौजूद है। आर्थिक सुधारों की जमकर तारीफ करते हुए जेटली ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी भुगतान के नए डिजिटल तरीकों को बड़े पैमाने पर अपना रही है। सभी सरकारी फायदों को सीधे बैंक खातों से जोड़ दिया गया और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लेकिन फिलहाल GST रिटर्न को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार धीमी रिटर्न जमा करने के कारण का पता लगाने में लगी हुई है। खबर है कि जल्द ही इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर एक सर्वे करने वाले हैं और वो इन तमाम कारणों का पता लगाकर इसका समाधान ढूंढेंगे। GST के रिटर्न उम्मीद से कम दाखिल होने से सरकार चिंतित है। सरकार अब उन कारणों का पता लगाने में जुट गई है जिनके चलते शुरुआती 2 महीनों में रिटर्न फाइलिंग धीमी रही है। रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारी सरकार के रडार पर आ गए हैं। केंद्र और राज्यों के अधिकारी मिलकर इसका पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। सर्वे करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जुलाई और अगस्त के लिए GSTR 3B अपेक्षा के अनुरूप दाखिल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि राजस्व सचिव हसमुख आड़िया ने 3 अक्टूबर को पत्र लिखकर CBEC और राज्यों के कर आयुक्तों को एक प्रश्नावली भेजी है ताकि कम GST रिटर्न दाखिल करने के कारणों का पता लगाया जा सके। बताया जा रहा है कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC में GST सदस्य महेंद्र सिंह इस सर्वे के नतीजों का विश्लेषण करेंगे। महेंद्र ने भी इस संबंध में 4 अक्टूबर को अलग से एक पत्र लिखकर इस तरह का सर्वे कराने का आग्रह किया था। इसके लिए अधिकारियों को एक निश्चित समय दिया गया है। खबर है कि सर्वे के लिए 200 ऐसे व्यापारियों का चयन किया जाएगा जो GST में पंजीकृत तो हैं लेकिन जुलाई और अगस्त का रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे व्यापारियों से अधिकारी सवाल करेंगे। अगस्त में 68.20 लाख व्यापारियों को GSTR 3B दाखिल करना था। 1 अक्टूबर तक मात्र 42.96 लाख व्यापारियों ने ही GSTR 3B जमा किया है। इस तरह अगस्त के लिए मात्र 63% व्यापारियों ने ही GST रिटर्न दाखिल किए थे। अगस्त के लिए GSTR 3B दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर थी। जुलाई में 59.57 लाख व्यापारियों को GSTR 3B भरने थे लेकिन 1 अक्टूबर तक इसमें से 88.35% ने ही इस रिटर्न को दाखिल किया। इसी तरह जुलाई के लिए GSTR 1 दाखिल करने की अंतिम तिथि बार बार बढ़ाने के बावजूद 1 अक्टूबर तक मात्र 55.37% व्यापारियों ने ही इस रिटर्न को फाइल किया। GSTR 1 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखा विक्रेताओं को पटाखे की बिक्री की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब मुंबई की आबादी वाले इलाकों में वेंडर दिवाली में पटाखा बिक्री नहीं कर पाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने भी संकेत दिए हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पटाखों पर रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने का असर दूसरी जगहों पर भी दिखाई देने लगा है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में भी पटाखों पर रोक लग सकती है। महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे कि महाराष्ट्र में पटाखा बिक्री पर बैन लगाया जाए। रामदास कदम ने कहा कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पर्यावरण का ह्रास नहीं होना चाहिए। इसके लिए कल की हमारी दीपावली ये पटाखे नहीं बजाते हुए प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पर्यावरण युक्त ये दिवाली होनी चाहिए, ऐसी कसम ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बच्चों को दी है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है। इससे पहले दिवाली के मौके पर पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया था। दिवाली के बाद इस बात की भी जांच की जाएगी कि पटाखों पर बैन के बाद हवा की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 नवम्बर के बाद पटाखों की बिक्री फिर शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर दिल्ली NCR में इस दिवाली पर पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय का एक ट्वीट विवाद के घेरे में आ गया है। अपने ट्वीट में रॉय ने लिखा है कि कभी दही हांडी आज पटाखा, कल को हो सकता है कि प्रदूषण का हवाला देकर अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओं की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे। बीजेपी नेता से राज्यपाल बने तथागत रॉय को सोशल मीडिया पर कुछ मुद्दों पर उनके हार्ड लाइन रुख के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने रोहिंग्या के लिए कचरा कहने वाला विवादित बयान भी दिया था। इससे पहले भी तथागत रॉय कई बार विवादों में रह चुके हैं। कुछ वक्त पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक डायरी का अंश उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम समस्या के अंत के लिए गृह युद्ध की बात कही गई थी। इसके अलावा अगस्त 2015 में मुंबई 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन पर उनके ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। तथागत रॉय ने ट्वीट में लिखा था कि याकूब मेमन के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग संभावित आतंकवादी हो सकते हैं और उन लोगों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उधर कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में 2 पन्ने का हलफनामा दाखिल करके कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि जब से NDA सरकार ED, CBI और IT विभाग की जांच करवा रही है, तब से जांच एजेंसियों ने मेरे मित्रों और खासकर मेरे बेटे और उसके दायरे में आने वाले लोगों को भी निशाना बना रखा है। इससे पहले सोमवार को कार्ति चिदम्बरम की तरफ से कहा गया कि उनकी बेटी के शिक्षण संबंधी काम के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना है, ऐसे में उनको जाने की इजाजत दे दी जाए। उधर कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि विदेश जाकर वह बैंक संबंधी कोई काम नहीं करेंगे। आज सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कार्ति चिदम्बरम ने अपने हलफनामे में कई गलत जानकारियां दी हैं। उनके पास उनके कॉलेज के दिनों के खाते हैं, हालांकि वह केवल 2 ही बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। CBI ने कहा कि सील बंद दस्तावेजों के अध्ययन के बाद ही कोर्ट कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर फैसला ले। इस बात की पूरी आशंका है कि कार्ति को विदेश जाने की इजाजत मिलने पर वो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकेंगे। और अब वक्त आ गया है मिर्चा गालिब के पास चलने का। आज वो जिक्र कर रहे हैं एक अलग तरह के आतंकवादियों का। देखिए कैसे हैं ये आतंकवादी। डर लगता है आतंकवादियों से। जनाब हमको तो बहुत डर लगता है, लेकिन एक बात बताएं, कुछ आतंकवादी बिना बम और बंदूक के दहशत फैला देते हैं। उनको ना पुलिस पकड़ पाती है ना आर्मी, बिना हथियारों के ना खौफ फैला देते हैं। अब पीकर अंग्रेजी बोलने वालों को ही ले लो, इन्हें ABC इंग्लिश का नहीं पता, लेकिन 2 पैक अंदर बाबू सिकंदर, दारू पीते ही अंग्रेजी फर्राटा भरने लगते हैं। आपको क्या लगता है बापू की वजह से अंग्रेज भगे थे? बिल्कुल नहीं, इन बेवड़े भयंकरों की अंग्रेजी सुनकर ना अंग्रेज देश छोड़कर चले गए थे। और ये दूसरे टाइप के आतंकवादी होते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन,
इनसे एक बार आप बोल दो कि आप शुद्ध शाकाहारी हो, मियां गर्दन दबोच देंगे तुम्हारी, जान ले लेंगे, तुम्हें प्रताड़ित कर देंगे, कहेंगे क्या पनीर खा खा के पगला जाओगे, सब्जी और अनाज में भी तो जान होती है, कितना दर्द देते हो तुमने। अरे मियां उनको दर्द हो रहा है तो मुझे तुम दर्द क्यों दे रहे हो, तुम खाओ मांस, हमें लेने तो सांस, ठीक है। तीसरे टाइप के आतंकी सिर्फ अपने आप को सही मानते हैं, ये जानबूझकर आपसे बहस छेड़ेंगे, और अगर आपने गलती से कोई ऐसा साज छेड़ दिया जो इनको ना साज हो, तो कसम खुदा की बिना फंदे के आपको फांसी पर लटका देंगे। इनको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े ज्ञाता यही है, पूरा दुनिया का ज्ञान इन्हीं के पास है। सच बताएं इनके सामने ना हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। माना बहस जरूरी है लेकिन जिंदा रहना भी तो बहुत जरूरी है ना। एक और टाइप का आतंकवाद है जिसका शिकार हम बचपन में बहुत बने। हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता था, हमारे अब्बू और अम्मी हमें उनके सामने खड़ा कर देते थे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, बेटा गाना गाकर सुनाओ। कसम खुदा की मेहमानों का नाम सुन के ना हमारी रूह कांप जाती है। इस श्रेणी के आतंकवादी ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका बेटा पूरे दुनिया में ना द बेस्ट है। हाँ। ओफो, ये बेलन कहाँ चला गया? अरे भाई बेलन नहीं मिल रहा, तुमने तो नहीं छुपा दिया। वैसे हमारी बेगम का बेलन ना बड़ा शरारती है, ये आटे में और हमारी खोपड़ी में फर्क नहीं जानता। सुनाई दे रहा है कि नहीं, बहरे तो नहीं हो गए? अरे आ रहे हैं बेगम, आ रहे हैं बेगम, जाने बाहर गुले गुलजार आ रहे हैं। चलिए भैया हम तो चलते हैं, लेकिन आप अपने घर के आतंकवाद से संभल कर रहे ना। चलिए आतंकवाद की इस नई परिभाषा के बाद बढ़ते हैं अच्छी खबर की ओर। विश्व कुश्ती की दुनिया में देश की बेटियां अपना नाम कर रही हैं, और अब इस कड़ी में काशी और उसके आसपास के इलाकों की बेटियां भी अपना नाम करने की तैयारी में हैं। 450 साल के लंबे समय के बाद महाबली हनुमान को समर्पित तुलसी अखाड़े में बेटियों को अपने दांव पेच आजमाने की इजाजत मिल गई है। सोमवार को इन बेटियों ने भी कुश्ती के दांव पेच दिखाकर सभी को अपना मुरीद बना लिया। कुश्ती के दांव पेच दिखाते इन बच्चों और युवाओं को देखिए, अब इनकी तरह काशी की बेटियां भी विश्व कुश्ती में अपना परचम लहराएंगी। काशी की महिला पहलवानों ने ऐतिहासिक तुलसीदास अखाड़े में दाव पेच आजमाने शुरू कर दिए हैं। 10 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्रा ने लड़कियों को अखाड़े में प्रवेश की हरी झंडी दे दी है। अब इन लड़कियों को उम्मीद है कि एक दिन उन्हें भी गीता फोगाट और साक्षी मलिक की तरह पदक मिलेगा। बनारस में अभी 5 साल के ये पिछले 5 सालों से बहुत अच्छा अखाड़ा में पहलवानों ने लड़कियों ने जोर अपनाई की है, सब चीजें परिवर्तन खत्म कर दिए हैं लड़कों लड़कियों में। हम चाहते हैं कि हाँ मतलब हम लोग कुछ करें, कुछ बने, कुछ कर अपने बनारस का नाम रोशन कर सकते हैं। समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है, इस फैसले से महिलाओं को कुश्ती के क्षेत्र में आगे आने का मौका मिलेगा। हम तो यही कहेंगे कि महाबली हनुमान को समर्पित इस अखाड़े में बेटियों को मौके जरूर मिले। कुमार मयंक, APN। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। अक्टूबर 10, 1906 में अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में गिने जाने वाले उपन्यासकार आर के नारायण का जन्म हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की, जिन्हें देश दुनिया में काफी सराहा गया। और 10 अक्टूबर 1910 में हिंदी भाषा साहित्य और देवनागरी के प्रचार प्रसार को समर्पित पहला अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
10 अक्टूबर 1954 में हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में शुमार भानु रेखा गणेशन उर्फ रेखा का जन्म हुआ था। रेखा ने महज 15 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया। रेखा की बतौर अभिनेत्री पहली हिंदी फिल्म सावन भादो थी। रेखा आज तक बॉलीवुड की सबसे रहस्यमय अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं। और 10 अक्टूबर 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित गजल गायक जगजीत सिंह का मुंबई की लीलावती अस्पताल में निधन हुआ था। जगजीत सिंह का नाम बेहद लोकप्रिय गजल गायकों में शुमार है। देश की बात में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।